गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं चंदन कुमार, मैंने बीपीएससी 63 में 117 रैंक आया है और मैं आपके साथ बीपीएससी में कैसे प्रिपेयर किया जाए, आपका क्या अप्रोच रहे। एक्चुअली आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट हैं तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपने अगर आप पहले से यूपीएससी या फिर किसी और स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप अभी स्टार्ट करने की सोच भी रहे हैं तो उससे शायद मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ तो आपको शायद कुछ हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम स्पेशली सिविल सर्विसेज को लेकर के अगर आपका रुझान है तो बेसिक्स जो होती हैं किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को लेकर के वो आपको क्लियर रहना चाहिए। वो आपको किसी भी स्टेट या यूपीएससी के सिलेबस से वो आपका हो जाएगा कि आपको किन चीज़ों पे देखना है, ध्यान देना है। तो अगर आप कोई भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज़ होगी कि आप अपना सिलेबस लेकर के एक बार बैठ जाएँ कि आपको फोकस किन चीज़ों पर रहना चाहिए। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कुछ चीज़ें आप सिलेबस में देखेंगे और साथ में क्वेश्चन पेपर मिलाएंगे तो देखेंगे कि कुछ चीज़ें लगातार आपसे रिपीटिशन टाइप का उस पैटर्न सा एक बन जाता है। चाहे पॉलिटी में देख लेंगे तो उसमें गवर्नर, प्रेसिडेंट रूल, ये सब क्वेश्चन अक्सर साल या दो साल बाद रिपीट होते चले जाते हैं। सिमिलरली अगर हिस्ट्री में आप जाते हैं तो बिहार के हिस्ट्री रिलेटेड मौर्यन आर्ट एंड कल्चर, पाला कल्चर, पाला के आर्ट एंड उनके ये था आर्किटेक्चर रिलेटेड, साथ में मधुबनी पेंटिंग, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाते हैं। तो अगर आप स्टेट बेस्ड फोकस कर रहे हैं बिहार के लिए स्पेशली तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग बेसिकली यूपीएससी को ध्यान में देकर के प्रिपेयर करें, क्योंकि यूपीएससी का अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाता है और आपको स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और साथ में आपको एस्पायर भी करना चाहिए इस आईएएस बनने के लिए ही। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूपीएससी करें, उसका प्रिपरेशन करें और साथ में स्टेट्स का साथ में अप्लाई करते रहें अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब इसमें आ जाता हूँ कि प्रीलिम्स में मैंने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर स्टूडेंट का अपना अलग स्ट्रैटेजी होता है, इसीलिए मैंने जो फॉलो किया वो शायद हो सकता आप करें तो आपके साथ वो हेल्पफुल हो सकता है, या फिर आप अपना कुछ अलग शेड्यूल ही बना सकते हैं अपने अनुसार जो आपको ज़्यादा सूट करता हो। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जैसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स वंस परफेक्ट, तो सिविल सर्विसेज में भी जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आपने जो भी किया एक दिन में तो उस रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने उस सब्जेक्ट को कितने अच्छे से समझा है। तो ये चाहे वो प्रीलिम्स के बाद हो चाहे वो मेंस रिलेटेड हो। तो मेंस में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए इनसाइट्स और आईएएस बाबा जैसे साइट्स को फॉलो कर सकते हैं और डेली 2 से 3 आंसर लिखने की ट्राई करें। अगर आप न्यू फ्रेशर भी हैं तब भी आप एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ें और ट्राई करें कि समझने की क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और आंसर पढ़ने की ट्राई करें जो उन्होंने लिख के रखा हुआ है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक आंसर में उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इससे आपको पता चल जाएगी। और सिमिलरली ऑब्जेक्टिव में भी है कि आप जो भी दिन भर में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसको ऑब्जेक्टिव वे में एनालिसिस करें कि क्या क्या इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अब स्पेसिफिकली टू बीपीएससी बताता हूँ कि बीपीएससी में आपको कौन कौन सी बुक्स की जरूरत पड़ सकती है। और स्पेशली अगर प्रीलिम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में सबसे पहले तो एक लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी पड़ेगी, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो पॉलिटी के लिए। एंड उसके साथ साथ में करंट अफेयर्स का बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन हर साल करंट अफेयर्स से आते हैं, तो उसके लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की करंट अफेयर की बुक ले लें जिसमें लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर रहा, या फिर घटना चक्र फॉलो कर लें, दोनों इक्वली गुड है।
एंड आपको मेरे ख्याल से इस करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। साथ साथ में हिस्ट्री के लिए इम्तियाज अहमद बिहार में बहुत चलती है, बिहार रिलेटेड जीके भी है लेकिन वो पर हिंदी मीडियम में है, बट इंग्लिश मीडियम वाले भी उसे फॉलो कर सकते हैं। साथ में ज्योग्राफी के लिए एटलस वर्क बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन एटलस से ही आते हैं, और एनसीईआरटी वो फॉलो कर लें फिजिकल और ज्योग्राफी के लिए। एंड इसके बाद मुझे लगता है ज्योग्राफी के बाद साइंस के लिए लूसेंट, लूसेंट एक्चुअली एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है तो सारे सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स को वो फॉलो करनी चाहिए, बट साइंस के लिए उसका सेक्शन काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ओवरऑल ये बेसिक हो गया आपका पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए। एंड इकोनॉमी में कुछ क्वेश्चन करंट के आपको मिलेंगे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन रहते हैं तो वो आप स्टैटिक वाले क्वेश्चन के लिए आप रमेश सिंह फॉलो कर लीजिए, जिसमें गवर्नमेंट की पुरानी स्कीम भी आपसे कभी कभी पूछ दी जाती है। एंड साथ में करंट के लिए आप मृणाल की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपके करंट इश्यूज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। और आप आईएएस की भी इकोनॉमी रिलेटेड ये करती है, वीकली न्यूज़ देती है, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में करंट अफेयर के लिए भी आप आईएएस चैनल की वीकली और मंथली एनालिसिस, एडिटोरियल एनालिसिस को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ तक मेंस की बात आती है, मेंस बिहार का कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है कंपेयर टू अदर स्टेट, अगर इस आप इस साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, क्योंकि एक सेक्शन स्टैटिस्टिक्स का आ जाता है एंड स्टैटिस्टिक्स का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है उसमें। और इसीलिए आप प्रीवियस 2 ईयर से स्टैटिस्टिक्स सॉल्व कर पा रहे हैं इजिली विद इन टाइम लिमिट में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो एग्ज़ाम में स्टैटिक्स में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक दिन स्टैटिस्टिक्स को दें और प्रीवियस ईयर लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन बना करके देख लें। उसके बाद जहाँ तक हिस्ट्री की बात आती है, हिस्ट्री के लिए क्राउन पब्लिशर की बुक मैंने फॉलो की थी और उसमें काफ़ी सफिशिएंट मटेरियल था, बट आप नॉर्मल जो इम्तियाज़ अहमद है वो भी हेल्पफुल रहेगी। एंड साथ में आप राजीव अहिर की बुक अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो वो आप ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, तो साथ में उसको भी साथ यूज़ कीजिए आंसर लिखने में। बस इसमें आंसर राइटिंग में एक चीज़ और ध्यान देने की है कि हम लोग जब यूपीएससी के आंसर लिखते हैं तो वो 250 वर्ड्स में हमें लिखना होता है, बट यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेटली 400 के वर्ड्स टू 500 वर्ड्स के बीच में आंसर लिखना पड़ता है। तो उस बात को ध्यान में रखिए कि आंसर लिखा कीजिए, कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया गया है तो उसको क्वेश्चन को अच्छी तरह ब्रेक करें, कि उस जैसे 1857 रिलेटेड क्वेश्चन था जो मेंस मैंने लिखा था, उसमें कॉजेस एक पेज में अच्छे से समझा दीजिए, उसके बाद इवेंट्स क्या हुआ, बिहार रिलेटेड क्वेश्चन था कि कुमार सिंह का रोल क्या था, तो उसमें सारे इवेंट्स कुमार सिंह के साथ, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। तो ऐसा करना है कि हमें आंसर को थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लिखना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, इकोनॉमिक्स का हो या हिस्ट्री का हो, क्योंकि हमें एटलीस्ट तो अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 4 टू 5 पेजेस आंसर में देना पड़ेगा। एंड साइंस टेक एक सेक्शन है, वो भी मेरे ख्याल से साइंस वाले स्टूडेंट को फेवर करे, बट ऐसा नहीं है कि आर्ट्स या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट उसमें बहुत पीछे रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे करंट अफेयर से आता है या फिर जो स्टैटिक पार्ट्स है, जैसे न्यूक्लियर, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या हुआ हो, या फिर इंडिया के स्पेस इसरो का क्या प्रोग्राम चल रहा है, या स्पेस का इसरो का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम रहता है। एंड उसके बाद साइंस के लिए भी आप आईएएस चैनल फॉलो कर सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा वीकली और मंथली साइंस का एपिसोड ये लेकर के आ रहे हैं। एंड इसके बाद मेरे ख्याल से एक पेपर ऑप्शनल रह गया, तो ऑप्शनल जो बिहार में है ये देखा जा रहा है लास्ट टू एग्ज़ाम से, कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कंपेरेटिवली स्कोर अच्छे आ रहे हैं, तो अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट से हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप ट्राई कीजिए अगर आप इन हिस्ट्री, क्योंकि मेरे ख्याल से एक ईजी रहता है, क्योंकि अभी तक इसमें आउट ऑफ 12 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ही मेंस में करने रहते हैं,
तो आप हिस्ट्री को बना सकते हैं एज ऑप्शनल, एंड अगर आपका दूसरा भी कोई ऑप्शनल है तो आप उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट मेन आपको फोकस वही करना है कि इसमें भी आंसर मीन्स ऑप्शनल में भी आपको 40 मार्क्स के एक आंसर्स लिखने रहते हैं, तो उस बात को आप ध्यान में देखते हैं कोई भी आंसर लिखें। तो मेरे ख्याल से अभी इतना काफ़ी रहेगा, मैं फिर ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट मंथ अगर जब प्रीलिम्स का डेट अनाउंस हो तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक वीडियो जो कि आपको हेल्पफुल रहे वो लेकर के आऊँ। आप इसी चैनल पे, आप IAS चैनल को आप इसे फॉलो करते रहिए।